हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम IQ। सो गाइस, आज की वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद है कि मॉर्निंग में रोहित सर ने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मिस्टर खाली जहांगीर, जो JKSSB के चेयरमैन हैं, वो इंटरव्यू दे रहे थे मिस्टर विनोद कुमार जी, जो कि गुलिस्तान चैनल के रिपोर्टर हैं। तो जब इंटरव्यू के दौरान गुलिस्तान चैनल के रिपोर्टर मिस्टर विनोद कुमार जी ने जब उनसे सवाल पूछा कि अगर PG और ग्रेजुएट स्टूडेंट अपेयर हो चुके हैं इस एग्ज़ाम में तो वो तो ईज़िली क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इसका जवाब देते हुए मिस्टर खालिद जहांगीर जी ने कहा कि अगर ये चीज़ हमने इस चीज़ के ऊपर अभी हमने इग्नोर किया कि वेदर ग्रेजुएट्स अपेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं, ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट बोथ अपेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके बारे में हम एट द टाइम ऑफ सेलेक्शन सोचेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी GAT रूल्स बनाती है, जो SRO 99 है 2008 का, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग सेलेक्शन करेंगे, और उसकी वजह से हमें प्राइवेटाइज करनी पड़ी हमारी वीडियो। सो गाइस, हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि ये वीडियो पुराना है, ये लेटेस्ट वीडियो नहीं है, जिसकी वजह से हम भी क्लियर नहीं थे कि ये वीडियो पुराना है। और स्टूडेंट्स की कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि ये वीडियो पुराना है और GAT ने इसके बाद बहुत सारे चेंजेस किए हैं रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ क्लास 4th एग्ज़ाम। सो इसकी वजह से हमें वीडियो प्राइवेटाइज करना पड़ा। और उसके बाद हमने बात की मिस्टर विनोद कुमार जी, जो कि गुलिस्तान चैनल के रिपोर्टर हैं, और उन्होंने जो भी बात की है, और आपको हम बिल्कुल उनकी रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। हेलो जी, सॉरी सर, मैं अभी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, अभी मैंने कॉल की थी दूसरे नंबर से, अभी मैं वही तो बात कर रहा था एग्जाम के इंटरव्यू के रिलेटेड। सर, मैं एक डाउट था, ये जो मैं बात कर रहा था, ये जो अभी एग्जाम हुआ ना JKSSB क्लास 4 का, तो उससे पहले, हाँ उसी के, मतलब अभी लगा लो एक वीक पहले का इंटरव्यू है ना, राइट? हाँ, इतने लगा लो, मैं प्रिपरेशन भी ना उसको लेके किया। हाँ हाँ, मैं एक्चुअली ना वही डाउट था स्टूडेंट्स के बिटवीन की ये कि क्या एलिजिबल, कौन है क्लास 4 वाले एलिजिबल हैं या ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, तो वही उसी के रिलेटेड हमने आपका ये वीडियो, मैंने एक क्लिप डाली थी बिटवीन जहाँ आपने ये सवाल पूछा था कि क्या ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स वाले, उन्होंने भी एग्जाम दिया तो वो तो इजिली क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उन्होंने उसका आंसर दिया था, उसमें भी उन्होंने क्लियर कट नहीं बताया था, उन्होंने कहा था कि GAT, उन्होंने बड़ा गोलमोल बोला था। तो मैंने वही क्लिप डाला स्टूडेंट्स में, आज अपने चैनल पे डाला, तो अराउंड 1 आवर में 5K व्यूज आ गए थे। तो फिर उसके बाद कुछ कमेंट्स आने लगे कि ये वीडियो, लाइक ये इंटरव्यू काफी पुराना है, 4 से 5 महीने पहले वाला, पुराना नहीं है, 4 से 5 दिन। हाँ, तो वो मैंने फिर इसी चीज के बात की है। हाँ, तो उस वजह से, उस वजह से मैंने वीडियो भी प्राइवेट कर दिया था, तो भाई मैंने कहा एक बार आपसे कंफर्म कर लेता हूँ, तो सो डेट की क्लैरिफिकेशन मिल जाए। आप बता दूं कि एग्जाम क्लास 4 के जो 3 दिन एग्जाम होने थे, इसकी प्रिपरेशन किया था। हाँ, तो अभी किया और नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल, बस यही चीज से क्लैरिफाई करनी थी मैंने। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो गाइस, आई होप सब लोगों ने इस ऑडियो को सुन लिया है, और ये इस ऑडियो में आपसे, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मिस्टर विनोद कुमार जी यही कह रहे हैं कि ये लेटेस्ट ऑडियो है, 1 हफ्ते पहले का ऑडियो है, और उसमें भी, ऑडियो में भी विनोद कुमार जी यही कह रहे हैं कि जब मैंने मिस्टर खाली जहांगीर जी से क्वेश्चन पूछा ये वाला, तो उन्होंने भी इसका आंसर घुमा फिरा के दिया, मतलब क्लियरली नहीं कहा, उन्होंने यही कहा एट द एंड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस हम देख लेंगे कि ग्रेजुएट्स कितने थे और उनको, उनके लिए क्या करना है, अभी क्लियर कुछ भी नहीं है कि उन्होंने ग्रेजुएट्स एलिजिबल थे या नहीं थे, बट उन्होंने घुमा फिरा के जो भी आंसर दिया है तो वो आपके सामने है रिकॉर्डिंग्स में। सो एट द एंड ऑफ द डे हम यही कह सकते हैं, हम यही सम निकाल सकते हैं कि ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर क्लास 4th। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हमारा यही मिस्टर विनोद कुमार जी से बात करने का यही मकसद था कि हम लोग स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये पुराना ऑडियो था, सॉरी पुराना इंटरव्यू था, और ये इसके बाद GAT ने काफ़ी सारी चेंजेस की हैं, तो ऑडियो को सुनने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। मिस्टर विनोद कुमार जी कॉल पर यही कह रहे थे कि ये लेटेस्ट इंटरव्यू था,
तो दैट्स ऑल फॉर द डे। और बाकी रिगार्डिंग नेक्स्ट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जल्दी उसके लिए भी आपको वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे और हम लोग आपके साथ बिल्कुल हेल्पफुल हैं आपके साथ प्रिपेयर करवाने में। सो हमारे साथ जुड़े रहेगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।